एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो यार अभी हम कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन मुझे इतना नहीं पता कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ का ज़्यादा पता नहीं है। जहाँ भी जाएंगे आपको साथ ही लेके चलेंगे। अभी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, इसलिए मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है, मतलब पहले से ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया है। और यार अब हम आए हैं चेज़ वैल्यू मॉल। यहाँ पे आपको हर तरह की शॉपिंग करने को मिलेगी, लाइक आपको एक्सपेंसिव ब्रांडेड चीज़ें भी मिलेंगी और आपको लोकल ब्रांड्स भी मिल जाएंगे मेकअप के मामले में भी। लाइक यहाँ पे मिस रोज़ भी अवेलेबल है, गैबरीनी, क्रायलॉन और यूके रिवाज, हर तरह के आपको मेकअप का, मैंने ज़्यादा सर्च किया है, मेकअप के ब्रांड्स यहाँ पर काफ़ी अवेलेबल हैं। शॉपिंग हमने कर ली है, लेकिन वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं वीडियो बना नहीं सकी। जो जो मैंने ख़रीदे हैं इंशाल्लाह मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। दोबारा से स्टार्ट हो गई और बड़ी मज़े की आवाज़ चल रही है। दोबारा से देख डॉट कॉम पे आए हैं। यहाँ का पुलाव मुझे बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगा था, काफ़ी टेस्टी था। अरे हम वापस आ गए, अभी ना मैं आपको ना घर में ही जाके मिलती हूँ। सो गाइस, मैंने कुछ शॉपिंग की थी जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर ही नहीं थी कर पा रही, और अभी इस शॉपिंग की वीडियो मैं काफ़ी दिनों के बाद शूट कर रही हूँ, क्योंकि दरमियान में मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गई थी। तो सबसे पहले मैंने ये सईद गनी की हैंड एंड फीट क्रीम ली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी, और ये सारी चीज़ें मैंने यूज़ कर ली हैं क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो शूट कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी ये हैंड एंड फीट क्रीम है, अगर आपके हैंड एंड फीट बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते तो आप ये यूज़ ज़रूर यूज़ करें, रीज़नेबल भी है और अच्छी भी है। और जो दूसरी चीज़ है वो मैंने ली है ये कैरेट का मेकअप रिमूवर लिया है, काफ़ी अच्छा मेकअप रिमूवर है, अच्छे से मेकअप रिमूव कर देता है। ये थोड़ा फॉमी फॉर्म में है, ये देखें काफ़ी अच्छे हैं, स्किन को ज़्यादा ड्राई भी नहीं करता और मेकअप भी अच्छे से रिमूव कर देते हैं। और मैंने ली थी ये लिप बाम, ये मैंने बेबी लिप बाम ली थी दो, ये देखिए लिप पे ना स्टेन छोड़ती है, इसकी वजह से ना लिपस्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और होंठ भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज रहते हैं। और ये मैंने कल लिया था, ये छोटा सा मैंने पाउच टाइप लिया था। और मैंने एक क्रायलॉन की स्टिक ली है, इसका बॉक्स मुझसे गुम हो गया, ये भी मैंने यूज़ की है। FS 45 शेड लिया, ये मेरे शेड के साथ बिल्कुल एग्जैक्ट मैच होता है, जिसको मैं लगा लूँ लगता ही नहीं है कि ऐसे मैंने कोई फाउंडेशन वगैरह लगाई हुई है। और मैंने दो कुर्ते लिए थे, एक मैंने ये येलो कलर का लिया था, खद्दर में है, ये खद्दर स्टफ है, एक मैंने ये येलो कलर का लिया था, फुल बाल पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने ऐसी पैक करके अलमारी में रख दिए थे इनकी। वैसे मैं पिक्चर साइड पे भी लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। और प्लेन में लिए, मुझे ज़्यादातर प्लेन कुर्ते अच्छे लगते हैं। और दूसरा मैंने ये लिया, और मैंने एक स्लीपर भी ली थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ, वेट करें। और एक मैंने ये वाली स्लीपर ली थी, जो कि मैंने अभी यूज़ नहीं की, इसलिए मैंने इसको ऐसे हाथ में पकड़ा हुआ है। ये काफ़ी सॉफ्ट है और अच्छी स्लीपर है, मुझे काफ़ी पसंद आई। और बस यार यही मैंने चीज़ें ली थी। मेकअप ब्रशेस मैं ढूंढ रही थी, जैसे मुझे मेकअप ब्रशेस चाहिए थे वैसे मुझे वहाँ से नहीं मिले, और अभी मैं ऑर्डर करूँगी मेकअप ब्रशेस, फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह कोई मेकअप वीडियो भी शेयर करूँगी। मेकअप ब्रशेस मेरे पास हैं, लेकिन मेरे पास कंप्लीट मेकअप ब्रशेस नहीं है। अगर मेरे ब्रशेस जल्दी मुझे मिल गए तो फिर मैं वीडियो शेयर करूँगी नए ब्रशेस के साथ, अगर ना मिले तो फिर मैं पुराने ब्रशेस के साथ ही कोशिश करूँगी कोई वीडियो शूट कर लूँ। सो गाइज़, अल्लाह हाफिज़। यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग, आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। बाय, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में।